हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्यों पढ़ रहे हैं राधे के पीछे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? क्यों ठुकरा रहे हैं सलमान खान 150 करोड़ के ऑफर्स? सलमान खान की स्टारडम का असर कुछ ऐसा है कि जिस फिल्म में सलमान खान गेस्ट अपीयरेंस भी दे दे वो फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है। ऐसे में सलमान खान की फिल्मों को लेकर दर्शकों के दीवानेपन के बारे में तो सब ही जानते हैं। सलमान खान की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है, चाहे फिल्म की कहानी पाकिस्तान से आई एक लड़की की हो, या फिर एक पहलवान की, या फिर एक चोर की जो हर जगह किक ढूंढता फिरता है। ऐसे में अब जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दीवानापन भी बढ़ चुका है, ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी सलमान खान की अगली फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए बेचैन है। लेकिन सलमान खान कुछ और ही चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड, जो कि 2008 में आई थी, का एक डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, उनकी असल जिंदगी पर भी लागू होती है। सुपरस्टार सलमान खान मशहूर हैं कि वो जो कुछ भी वादा कर दे उन्हें निभाना जरूर आता है। यही कारण है कि वो राधे योर मोस्ट वांटेड को थिएटर्स के अलावा और कहीं रिलीज नहीं करेंगे। खबरें हैं कि सलमान खान ने कोरोना काल के दौरान ये वादा किया था कि इस तरह से वो थिएटर्स मालिकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आजकल ये खबर सामने आ रही है जिससे आपको ये पता चलेगा कि सलमान खान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरते। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक कर्मचारी ने ये कहा है कि सलमान खान आखिर सलमान खान है। चाहे आज के समय में ओटीटी पर जितनी मर्जी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन सलमान खान की फिल्मों की बात करो और उनको लेकर दर्शकों में उत्साह अलग ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और उनकी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के राइट्स को प्राप्त करने के लिए मर रहे हैं, जिसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन सलमान अपना मन बदलने के मूड में नहीं है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सलमान को काफ़ी भारी भरकम रकम ऑफर करी थी। हालांकि इस रकम को लेकर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सलमान खान ने फिल्म बेचने से मना कर दिया है। सलमान खान के फैंस की मानो तो वह सुपरस्टार की फिल्म थिएटर्स में देखना चाहते हैं। काफ़ी समय से सलमान खान को देखकर उनके फैंस ने थिएटर्स में सीटियां नहीं मारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आप सलमान खान की अगली फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई को थिएटर्स में देखना पसंद करेंगे या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? क्या थिएटर्स में फिल्म को रिलीज करने से ये फिल्म सोई हुई ऑडियंस को जगा पाएगी? जब तक आप इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।